एलजी साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर, इसको परचेज़ किए हुए करीब 1 ईयर हो चुके हैं, अभी किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आई है इसमें। इससे पहले कि मैंने इस फ्रिज का अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। तो अब चलते हैं इस वीडियो की तरफ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड गिव 1 लाइक फॉर दिस वीडियो। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये मेरा एलजी का स्मार्ट रेफ्रिजरेटर है, ये साइड बाय साइड डोर का रेफ्रिजरेटर है। इसमें राइट साइड में फ्रिज है और लेफ्ट साइड में फ्रीजर है। यह फ्रिज काफ़ी स्पेसिस है, तो इसमें आप आराम से काफ़ी चीज़ें रख सकते हैं। इसका जो डिस्पेंसर है वो हमारे फ्रिज को एक नया लुक और मॉडर्न स्टाइल देता है। डिस्पेंसर से आइस, क्रस्ट आइस और पानी का आना हमारे लाइफ को काफ़ी इजी बना देता है। यह वाटर डिस्पेंसर हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से बनाया गया है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो हम फ्रिज को बिना ओपन किए, बिना फ्रिज को बार बार डिस्टर्ब किए, ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से बाहर से ही वाटर और आइस ले सकते हैं, जो गर्मी के सीज़न में हमारे लिए वरदान है। फ्रिज ओपन करने पर सामने 4 शेल्फ बने हुए हैं, बीच में बॉटल रखने का भी बना हुआ है और नीचे 2 फ्रूट और वेजिटेबल रखने का 2 बॉक्स है बड़ा बड़ा, तो उसमें आप रख सकते हैं। और बीच में एक बॉक्स है जो क्लोज्ड है, उसमें आप डेयरी प्रोडक्ट रख सकते हैं, इससे आपका सामान जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से ये रैक बना हुआ है पूरा, यहाँ देखिए इस तरह से है। और इधर जो डोर में भी रैक बने हुए हैं इस तरह से, इसमें आप सॉसेज, मिल्क, जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, मसाला आप रख सकते हैं। लेफ़्ट साइड के जो पार्ट हैं इसमें आप आइस रख सकते हैं इस तरह से, जैसे मैंने रखा है। और नीचे ग्रोसरी का आइटम है जो मैंने स्टोर करके रखा है। इस पार्ट में भी 4 शेल्फ बने हुए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में। और ये जो ग्रोसरी का आइटम मैंने स्टोर करके रखा है, और 2 नीचे बॉक्स हैं, क्लोज बॉक्स हैं, इसमें आप नॉनवेज वेज आइटम स्टोर करके रख सकते हैं। फ्रीजर के फ्रंट पार्ट पे ये पूरा जो हमारा फ्रिज है, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम है ये पूरा बना हुआ है, तो इसको यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। जो हमारा डिस्पेंसर है इसको भी यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। तो मैं ये आगे दिखाने वाली हूँ, तो इसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हेलो गाइस, ये मेरा एलजी का रेफ्रिजरेटर है, ये 680 लीटर का साइड बाय साइड डबल डोर का रेफ्रिजरेटर है, साइड बाय साइड डबल डोर का रेफ्रिजरेटर है। और इसको मैंने 6 मंथ से यूज़ किया है, उसके बाद आपको मैं इसका रिव्यू देने वाली हूँ। और कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि इसके अंदर जो फंक्शन है वो कैसे काम करता है, तो वो भी मैं आज इस वीडियो में बताऊँगी कि कैसे ये काम करता है। तो शुरू करती हूँ अपना ये वीडियो। हाँ, तो ये जो कुछ फंक्शन है जो डिस्पेंसर इसको बोलते हैं, तो इसका जो है फंक्शन ये दिया हुआ है यहाँ पर। तो इसमें पहले हाइजीन फ्रेश आता है, तो इसको ऑन करने पर आपका जो फ्रिज है वो हाइजीन मेंटेन रहेगा इसका। और नेक्स्ट है ये हाइजीन फ्रेश है, और फिर ये नेक्स्ट है एक्सप्रेस फ्रिज। तो इसको ऑन करने से आपका जो आइस है वो बहुत जल्दी वो जम जाता है, बहुत जल्दी बन जाता है आइस। और इसमें वाईफाई कनेक्शन भी है जिसको आप अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, उसका जो ऐप है उसको डाउनलोड करना पड़ता है, और उसके बाद उसे आप ऑपरेट कर सकते हैं, कहीं दूर भी रहें तो उसको आप वहां से आप ऑपरेट कर सकते हैं फ्रिज को। और उसके बाद है ये फ्रीजर, ये फ्रीजर में आप कितना रखना चाहते हैं उसका टेम्परेचर वो यहाँ शो कर रहा है 14 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसमें आप जो हम लोग जो रखते हैं -14 डिग्री पर रखते हैं इसको सेट करके, पर इसको आप अपने अनुसार इसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो ये इतना तक जाता है 23, उसके बाद ये 14 डिग्री पर ये सेट हो गया है। उसके बाद ये फ्रिज का है, ये भी मैं इसको भी इंक्रीज कर सकते हैं और इसको आप डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने इसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट करके रखा है। और ये नॉन प्लम्बिंग है, जैसे इसमें आइस जो जमता है या पानी जो आता है ठंडा, तो उस वाटर कंटेनर में जो पानी भरते हैं तो वो यहाँ पे आपको शो करेगा कि पानी है कि नहीं है। फिर नेक्स्ट है ये लॉक, ये चाइल्ड लॉक है, इसको थोड़ी देर तक पुश करके रखेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। इसके बाद ये कोई भी सिस्टम काम नहीं करेगा, जैसे हम कर रहे हैं देखिये कुछ असर नहीं हो रहा है इस पर। तो ये लॉक सिस्टम है, ये चाइल्ड लॉक होता है तो बच्चों के लिए है ये, तो इसको फिर हम अनलॉक कर देते हैं, उसके बाद ये काम करना शुरू कर देगा।
और ये आइस डिस्पेंसर में तीन ऑप्शन है, आप क्यूब यहाँ पे आइस क्यूब ले सकते हैं, वाटर का और क्रस्ट आइस का ऑप्शन है इसमें। तो पहले मैं वाटर लेकर देखती हूँ, ये वाटर ऑफर मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद ये वाटर ले रही हूँ। अब मैं क्यूब सेक्शन में क्यूब सेलेक्ट कर रही हूँ। तो ये क्यूब, उसके बाद ये क्रस्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया मैंने। तो आप देखिए ये क्रस्ट आइस आएगा इसमें। तो ये मैंने 6 मंथ्स यूज करके फिर भी ये मुझे बहुत अच्छा ऑप्शन लगा ये डिस्पेंसर का। तो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि ये जो डिस्पेंसर है ये कैसे काम करता है, मैं अंदर से आपको बताने वाली हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो ये उसका एक टैंक है, इसमें पानी भरते हैं। ये जो वाटर कंटेनर है इसको निकाल कर भी इसमें पानी भर सकते हैं। तो ये मैंने इसको निकाल लिया है, इसमें पानी भरने वाली हूँ। तो यहाँ पे एक फ्लैप टाइप का है, इसको आप इस तरह से ओपन कर ले, इस तरह से इसमें पानी भर सकते हैं। और जब तक आप ये फ्रिज नहीं बंद करेंगे तब तक ये पीप की आवाज़ जो है ना वो आती रहेगी। तो फ्रिज को भी बंद कर ले। यहाँ आप जैसे देख रहे हैं एक टोटी से निकली हुई है, ये फ्रिज की दीवार में सेट करना होता है, जो फ्रिज है इसमें से पानी लेता है। इसको ओपन करके ये जो पार्ट है यहाँ पे रखना है, और इधर देखो ये होल बना हुआ है, इसी में उसको फिट करना होता है। इस तरह से आपको रखना है यहाँ पर, पानी भरने के बाद स्लो से धीरे धीरे, फिर ये आप देखोगे पीछे जो होल है इसमें ये चला जाएगा और ऐसे आवाज़ आने लगती है, ये पानी लेना शुरू कर दिया है। और फिर ये जो पानी भरते हैं यहाँ, ये पानी अंदर से इसका पाइप है जो अंदर से कनेक्टेड है, और यहाँ आकर यहाँ आइस बनता है, आइस सिस्टम है, यहाँ से आइस बनता है और ये यहाँ से आकर फिर ये डिस्पेंसर में आता है। यहाँ से हम लोग पानी और आइस हम लोग ले सकते हैं। तो ये आइस मेकर मशीन है जो यहाँ से ये यहाँ पे आइस बनता है। तो अंदर सिस्टम लगा हुआ है पूरा, और ये डब्बा, ये जो डब्बा है इसमें आइस कलेक्ट हो जाता है। हाँ, तो ये जो आइस सिस्टम है इसको फ्रीजर में रखा गया है, क्योंकि ये नॉर्मल डब्बे में रखेंगे तो ये पानी आइस जो है जमेगा नहीं। तो इसको फ्रीजर में रखा गया है, और इसका जो कंटेनर जो है जहाँ से पानी लेते हैं इसको नॉर्मल फ्रिज में रखा गया है। ये जो आइस मेकर कंटेनर है, जो मशीन है, इसको आप आसानी से रिमूव कर सकते हैं और आसानी से लगा सकते हैं। इसको निकाल कर आप वॉश भी कर सकते हैं और आसानी से इसको फिट कर सकते हैं। इसका जो डिस्पेंसर का जो सिस्टम है, इसमें क्रस्ट आइस और आइस जो वाटर आता है उसका जो सिस्टम है, इसमें इधर से ऐसे जो कैसे काम करता है, ये ऐसे घूमता है। तो यहाँ से जो बना हुआ ये क्रस्ट आइस इसमें क्रश होकर नीचे गिरता है, और जब आइस चाहिए तो ये जो ये साइड में है ये खुल जाता है और फिर ये सिर्फ आइस आता है इसमें। और ये मोटर का सिस्टम है, इसमें इसको फिक्स कर दिया जाता है, ये फिक्स हो गया। आइस सिस्टम मशीन के नीचे भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, यहाँ जैसे एक स्टिकर टाइप लगा हुआ है, इसको आप पढ़ कर इसको इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, न्यू टेक्नोलॉजी वाला यह फ्रिज अपने डिस्पेंसर के लिए बहुत डिमांड में है, तो आप भी इसे परचेज कर सकते हैं। तो चलते चलते मैं यही कहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।